जीवन में महाभारत की कथा हम सभी ने लगभग लगभग जरूर सुनी है। महाभारत के सभी पात्र अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं और ऐसे ही एक पात्र थे शकुनि। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि गांधारी के भाई और कौरवों के मामा शकुनि, जो कि अपने स्वभाव से ही काफी ज्यादा खराब थे और आगे चलकर वही दुर्योधन के मंत्री भी बने थे, कौरवों को कूटनीति का पाठ पढ़ाने का वो काम किया करते थे। आज हम आपको बताएंगे उनके पासों का। जी हाँ, जो शकुनि के पास पासे थे जिनसे षड्यंत्र खेला गया था, उन पासों का क्या सच था, उस बारे में आज हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। शकुनि मामा जुआ का खेल खेलने में बहुत माहिर थे। वो हमेशा अपने जीजा यानी कि धृतराष्ट्र के दरबार में रहते थे। एक बार की बात है जब युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच जुआ का खेल खेला गया, वहीं शकुनि ने दुर्योधन की ओर से जुआ खेला। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि शकुनि जुए में एक बहुत माहिर खिलाड़ी हुआ करते थे। उसने युधिष्ठिर को एक भी दाव जीतने नहीं दिया और उससे सब कुछ छीन लिया। युधिष्ठिर हारते चले जा रहे थे और शकुनि उन्हें उकसाना नहीं छोड़ रहे थे। ऐसे में युधिष्ठिर की भी मति मारी गई और क्रोध और घबराहट में आकर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दाव पर लगा दिया था। बता दें आपको कि इसी खेल के बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था, जिसमें कुरु वंश का विनाश हुआ था। आपको बताना चाहेंगे, महाभारत में उस षड्यंत्र में इस्तेमाल करे गए पासों का असली सच क्या है, कैसे वो पासे शकुनि की बात मानते थे। बता दें आपको कि शकुनि के पिता को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि शकुनि चौसर के खेल में बहुत रुचि रखता है, यानी कि जुए के खेल में बहुत रुचि रखता है। तो इसीलिए उन्होंने शकुनि को ये कहा था कि उनके मरने के बाद उनकी हड्डियों से पासे बना लेना और फिर हमेशा उससे अपने पास अपने साथ रखना। ये पासे तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें कभी किसी जुए में कोई नहीं हरा पाएगा। ये शकुनि के पासे ही थे जिस वजह से पांडवों का सब कुछ उनसे छिन गया था, क्योंकि ये मायावी पासे थे। नेक्स्ट नाइन्स रिचुअल से आरती की रिपोर्ट।